खुशामदीद मोहतरम नासरीन, आप तमाम का हैच के ए न्यूज़ में खैर मकदम है। हुमनाबाद तालुका के घोड़वाड़ी शरीफ गांव में इतवार के रोज़ एक वाकया पेश आया था, जहां पर एक गरीब घर के लोगों को बताया जा रहा है कि 15 से 20 लोग आकर दादागिरी करते हुए यहां पर तोड़फोड़ करते हुए घर के 5 लोगों के साथ हमला करते हुए इन्हें शदीद तौर पर जख्मी कर दिया, जिनमें 2 मर्द हजरात और 3 खवातीन शामिल है, और घर में बंद करके दुकान पर पेट्रोल डालकर यहां पर आग लगा दी गई और जान से मारने की भी इन्हें धमकी दी जा रही है। यहां पर तोड़फोड़ करने वाले भी घोड़वाड़ी शरीफ के ही बताए जा रहे हैं। मोती इलियास इस्माइल, जो के इब्राहिम साहब के फर्जंद बताए जा रहे हैं, मोहम्मद अली जो के इब्राहिम साहब, नूर जो इब्राहिम साहब के, और तौफीक, ये सभी भाई बताए जा रहे हैं। इन लोगों ने यहाँ पर आकर गुंडागर्दी करते हुए इस घर पर हमला करते हुए अफराद पर जानलेवा हमला किया और इनकी दुकान को आग लगा दी। बसवा कल्याण का ये वाकया है। पुलिस ने इन 8 लोगों के नाम पर FIR दर्ज की है, जबकि 15 से 20 लोग और भी हैं जिन पर FIR करनी बाकी है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस ने भी उन्हें यहाँ पर कुछ देर के लिए बिठाकर फिर बाहर पूरा दिन बिठाकर रात में FIR बनाई और फिर मंडे के दिन शाम 4 बजे करीब पुलिस स्पॉट पर आकर पंचनामा करके उनसे बातचीत करते हुए बताया कि कल हम फिर से आकर यहाँ इस जगह का मुआयना करेंगे और देखेंगे कि इनकी जगह को क्या होता है। लेकिन यहाँ पर FIR करके 3 दिन हो जाने के बावजूद भी पुलिस की जानिब से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमलावर आज 3 दिन हो जाने के बावजूद भी खुलेआम फिर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो कि शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं, ये अभी भी इलाज पा रहे हैं और लोग फिर से यहाँ पर आकर इन्हें जान से मारने की धमकी दे रही है। इसका मतलब ये है कि लोगों के साथ पुलिस भी मिले हुई है। अगर पुलिस ही इस तरह मुतासरीन का साथ नहीं देंगी तो मुतासरीन का कौन पुरसाने हाल होगा और ये अपनी फरियाद लेकर कहाँ जाएंगे। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है बसवा कल्याण से नुमाइंदा रिपोर्टर शेख असलम की HKA न्यूज़ के लिए ये खसूसी रिपोर्ट। लेडीज पर भी जुल्म हुआ है, देखेंगे लेडीज से भी बात करते हुए आपको क्या क्या जुल्म हुआ है यहाँ पर, क्या है बताइए। पुलिस स्टेशन में हमको आने दे रहे थे अंदर, बेल्टा हुई लेकर मार के हका रहे। आपको भी पुलिस डिपार्टमेंट में मार के हका ले बाहर? हका रहे थे, डरा रहे थे पुलिस वाले, तो एक्शन ही नहीं ले रहे हम लेडीज। आपका जहाँ पे मार लगा वो सब पुलिस डिपार्टमेंट नहीं देखे? लेडीज पुलिस भी बाहर हकाल दे रही, हमको पुलिस वाला भी बेल्ट लेके बाहर चलो बाहर चले बोल को हकाल दे रहा बेटा। हमारे खिलाफ कोई कम मार लगे बोल को हमारे खिलाफ एक्शन ही नहीं लिए साहब, कोई आप हॉस्पिटल में गए तो इसका कोई MLC वो कराना ना हॉस्पिटल में, MLC कराए वो है ना, वो MLC पर कोई केस एक्शन नहीं लिए वो। हम तड़प रहे थे भी साहब, पहले दवा खाने को जाकर आगो हमारे रिपोर्ट निकालो बोल के बेट लेके पुलिस वाला हकाल जाए, NHC वाले NHC वाला था वो पुलिस वाला बेट लेके हमारे भैया को भी चले थे। हम लेडीज लोग भी अंदर जाके तो खून डपका रहे थे, हमारा FIR ने लिखा ना चलो चलो वो तो ये कर दिया। लेडीज पुलिस कितना की बोली में मैं देख के मारा, उनको हर पुलिस उनकी है, वकील उनका, हर चीज उनका है सर। खाली हमारे पांच भाई हैं, 2 भाई हमारे हैदराबाद में रहते हैं, 3 भाई करते खाते रहते हैं यहाँ। एक भैया हमारे गए थे हैदराबाद को, तो हमारे 2 भाई को देखो ना प्लानिंग करके आपको मारे सर। अभी जिसके सर को मार लगा है वो टांगे गिरे आपको? हमारे भाभी को सर में टांगे गिरे, 7 टांगे गिरे। कौन सा हॉस्पिटल में? हुन्नाबाद में, भाई हुन्नाबाद सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिए थे, एक दिन रख के भी भेज दिया उनका हाथ को, पता हुए चढ़ा के हाथ को उठा के, हाथ को भी उठा के। कितना गिरे? मैं तो हमारे भाई खाली छुड़ा रही थी, मेरे को पीठ में मारे, हाथों पे मारे, पूरे यहाँ टाके डाले, छोड़ो हमारे भाइयों को बोले तुम छोड़े वो बच्चे को बयालर में डाले, तो बोले जाओ बच्चे को छोटे लेकर आ रहे तो हमारी बच्ची के गोद में से निकाल के पानी के ड्राम में डाल दिए, फिर हमारे भाई का बच्चा छोटा ना निकाल के बच्चे को ड्राम में डाले। हां वो बच्चे को दिखाओ, बच्चे को मासूम लेके पानी के ड्राम में डाल दिए, डाल के बाद हमारे भाई का बच्चा निकाल लिया के अंदर भाग गया घर में और अंदर